नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका हमारे चैनल टूरिस्ट स्पॉट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने हुए घंटे को। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही शानदार जगह घुमाने लेकर चल रहे हैं, तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस शानदार जगह का लुत्फ़ उठाएँ। अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी वो खूबसूरत जगह है। दोस्तों ये मसूरी हिल स्टेशन का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीमी धीमी बारिश हो रही है और यहाँ की हरियाली और वातावरण कितना शांत और हरा भरा है। आप इस वीडियो में देखकर इस बात का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ये बड़े बड़े देवदार के पेड़ भी इन वादियों में चार चांद लगा रहे हैं। इन वादियों में इसी तरीके से शानदार हवा चलती रहती है, जो कि हर मौसम में आपको इसी तरीके से ये वादियाँ दिखाई देंगी। तो आपसे यह गुजारिश है दोस्तों कि आप यहाँ पे आए और इस शानदार जगह का लुत्फ़ उठाएं। दोस्तों मसूरी ये उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। आप यहाँ पे बस से या ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं। ट्रेन से आप आएंगे तो यहाँ पे देहरादून स्टेशन पे ही ट्रेन रुक जाती है और वहाँ से आपको बस मिल जाएगी मसूरी के लिए, या आप टैक्सी से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, यकीन मानिए अगर आप एक बार यहाँ पे आएंगे तो आप अपने ज़िंदगी का एक बहुत ही सुकून पल यहाँ पे बिता सकते हैं।
ये केम्प्टी वाटरफॉल है, यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। आप लोगों को देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और इस केम्प्टी वाटरफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। ये मसूरी हिल स्टेशन के पास ही एक लाल टिब्बा नाम का जगह है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार जगह है। यहाँ पे साल भर देखेंगे कि पर्यटकों का भीड़ लगा रहता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ढेर सारे पर्यटक आए हुए हैं और यहाँ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत और शांत हैं। ये लाल टिब्बा के पास ही गन हिल्स है, जो कि बहुत ही खूबसूरत हिल है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।